गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर ऑफ वर्कशीट वन. वी हैव ऑलरेडी डन टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन. गिव द सिनोनिम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर वन. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. क्वेश्चन नंबर टू राइमिंग वर्ड्स एंड क्वेश्चन नंबर थ्री prefix. Now let us start. You question number one. Match the words in column A with their meaning in column B. At first, all of you open page number 4. You can see the words. These words are related with the chapter 1 and 2 of your English course book. Strive, deceive, dishonor, persevere, confident, optimistic, courage, fear, assured, disgrace, hopeful, bravery, try very hard, persist, cheat, pride. All words are related with your English course book from chapter 1 and 2. Now see here. Match the words. आपको column A में words दिए हैं और column B में उसके meanings दिए हुए हैं, तो उससे आपको match करना है. See, first strive. Strive means कड़ी मेहनत करना. Try very hard. A का 5. You have to write face to face. सामने सामने लिखना है आपको matching. B, deceive. Cheat, धोखा देना. 7. B का 7. C, dishonor. Insult, अपमान. Disgrace. C का 2. D, fear. Fear का fright. A, डरना. डर. E, persevere, दृढ़ रहना, एक ही लगातार प्रयास करना. E का 6, persist. F, confident, विश्वास. F का 1, assured. G, optimistic, आशावादी. G का 3, hopeful. And H, courage, साहस, bravery. You will do face to face, सामने सामने करेंगे matching. Now question number 2. Write three rhyming words for each of the following. Rhyming words likhne. Do you know what is rhyming words? Rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound. Rhyming words kya hote hain? Jo similar ending sound hote hain. Jo ek jaisa sunne mein pronunciation last ka jo hai, wo ek jaisa sound sunne mein lagta hai. For example, a race. To face, case, base. तो एक जैसा सुनने में लग रहा है, तो एंडिंग साउंड एक जैसा है. आई हैव डन वन फॉर यू एंड यू हैव टू डू रेस्ट योर सेल्फ. यू कैन सी हियर एज आई टोल्ड यू रेस, फेस, केस, बेस. सो गो टू, यू हैव टू डू योर सेल्फ. हीड, फीड. डी, fail, hail. E, cry. Rhyming words, dry. F, wear. Hear. G, fog. Rhyming words, spoke. H, past. Rhyming word, cast. And the rest you have to do yourself in your copy. Now see question number 3. Form new words by adding suitable prefix to each of the words given below. आपको prefix दिए हुए हैं, उससे नए words आपको बनाने हैं, form करने हैं. तो prefix क्या होता है? जिसे आप हिंदी में उपसर्ग कहते हैं. तो यहाँ जो word के पहले use होता है. Prefix is a letter or group of letters that you put at the beginning of a words to change its meaning. या तो एक लेटर रहेगा या ग्रुप ऑफ लेटर. यू कैन सी हियर थ्री लेटर, टू लेटर, फोर लेटर. तो ये आपको जो है वर्ड के पहले लगाना है और आपको नया वर्ड फॉर्म करना है. तो यू कैन सी हियर देयर आर फोर ऑप्शन, डिस, प्री, री, ओवर. इन सब का यूज करते हुए हमें वर्ड्स बनाने हैं, न्यू वर्ड फॉर्म करने हैं. तो फर्स्ट कॉशन, कॉशन के पहले क्या लगेगा? प्री कॉशन. डिश नहीं आएगा, री नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, प्री कॉशन. बी, गाइज.
गाइज के पहले क्या होगा, डिसगाइज, सी ग्रेस डिसग्रेस, डी एपियर डिसएपियर, ई वार्ड रिवार्ड, एफ अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट, जी पावर ओवर पावर, एच वेल प्रीवेल। तो ये याद रखिएगा कि प्रीफिक्स में हमेशा हम वर्ड के पहले जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वो न्यू वर्ड्स फॉर्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सी एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ सी। ऑल ऑफ यू डू, यू विल डू ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी प्रॉपरली। थैंक यू।